सिट्रॉन C3 SUV के एक और अनडिसगाइज टेस्टिंग वेरिएंट को स्पाई कर लिया है, जो कि इसके फाइनल प्रोडक्शन मॉडल के एक्सटीरियर के बारे में सब कुछ रिवील करता है। और आज इस वीडियो में मैं आपको इसी स्पाइड मॉडल के बारे में बताने वाला हूँ। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अगर आप C3 और बाकी गाड़ियों से जुड़े कंपैरिजन रिव्यूज देखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए फिर 2022 सिट्रॉन C3 SUV की नई स्पाइड इमेजेस की बात करते हैं। इस स्पाइड इमेज में आप 2022 C3 SUV की साइड और रेयर क्वार्टर प्रोफाइल को देख सकते हैं, जहां ये टेस्टिंग वेरिएंट अनडिसगाइज था और मोस्ट प्रोबेबली ये वेरिएंट मिड वेरिएंट था इस SUV का, क्योंकि इस वेरिएंट में व्हील कवर्स और टर्न इंडिकेटर्स और फेंडर्स वाले फीचर्स दिए हुए थे। और इसके टॉप वेरिएंट्स में हमें अलॉय व्हील्स और ORVs पर टर्न इंडिकेटर्स मिलेंगे। बाकी इसके रेयर में इसको वाइपर, वॉशर, डीफॉगर और कैमरा वाले फीचर्स भी नहीं दिए हुए थे। ओवरऑल एक मिड वेरिएंट के हिसाब से ये ठीक लग रही है एक SUV। चलिए अब दूसरी स्पाइड इमेज की बात करते हैं। इस स्पाइड इमेज में आप इस टेस्टिंग वेरिएंट के इंटीरियर्स को क्लोजअप में देख सकते हैं, जहां इसका डैशबोर्ड और टच स्क्रीन सिस्टम लेआउट दिख रहे हैं। इसका डैशबोर्ड शायद से ब्राउन कलर में फिनिश था और इसकी टच स्क्रीन एक फ्लोटिंग डिजाइन में दी हुई थी, जो कि टॉप वेरिएंट्स में 10 इंचेस की होने वाली है और लोअर वेरिएंट्स में 7 या फिर 8 इंचेस की टच स्क्रीन हमें देखने को मिल सकती है। चलिए अब तीसरी स्पाइड इमेज की बात करते हैं। इस स्पाइड इमेज में आप C3 के फ्रंट एंड को देख सकते हैं, जहां इसको क्रोम ग्रिल, हैलोजन हेडलैम्प्स, फ्रंट फॉक्स किट प्लेट और ऑल बॉडी क्लैडिंग और स्प्लिट हेडलैम्प वाले डिजाइन और फीचर्स दिए हुए थे। टॉप वेरिएंट्स में हमें प्रोजेक्टर सेटअप या फिर LED सेटअप देखने को मिल सकता है हेडलैम्प्स के लिए, जिनमें की LED DRS भी इंटीग्रेटेड होंगी। तो ये तो होगी 2022 सिट्रॉन C3 SUV की नई स्पाइड इमेजेस की बात। चलिए अब इसके एक्सपेक्टेड इंजन गियरबॉक्स कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं। अगर लीक रिपोर्ट्स की माने तो इस SUV में हमें फ्लेक्सी फ्यूल सिस्टम वाला इंजन मिल सकता है, जो कि होगा एक 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि दोनों पेट्रोल और एथेनॉल पर रन कर पाएगा। और अगर ऐसा होता है तो फिर ये इंडिया की पहली गाड़ी बन जाएगी इस फ्लेक्सी फ्यूल सिस्टम पर चलने वाली। साथ ही साथ सिट्रॉन इस SUV को एक फुल इलेक्ट्रिक फॉर्म में भी लॉन्च कर सकती है, जिसको इंटरनली कंपनी में ECC21 कोड नेम दिया हुआ है। तो ये तो होगी 2022 C3 SUV के एक्सपेक्टेड इंजन गियरबॉक्स कॉम्बिनेशंस की बात। चलिए अब इसके एक्सपेक्टेड फीचर्स की बात करते हैं। इस SUV में हमें स्प्लिट हेडलैम्प सेटअप, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, डुअल फंक्शन LED DRLs, LED टेल लाइट्स, 15 इंच अलॉय व्हील्स, 10 इंच फ्लोटिंग टच स्क्रीन सिस्टम, कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, कनेक्टेड कार टेक, ऑटोमेटिक AC, रेन सेंसिंग वाइपर्स, फ्रंट एंड रेयर आर्मरेस्ट विद स्टोरेज एंड कप होल्डर्स, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील विद माउंटेड ऑडियो, MID एंड क्रूज कंट्रोल्स, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील एंड गियर नॉब, रेयर AC वेंट्स, रेयर एडजस्टेबल हेडरेस्ट, रेयर वाइपर और वॉशर डिफॉगर वाले फीचर्स तो मिलेंगे ही। इन फीचर्स के अलावा भी सिट्रॉन कुछ और प्रीमियम फीचर्स ऑफर कर सकती है इस SUV में। सेफ्टी में इस SUV में हमें डुअल एयरबैग्स, ABS, EBD, हिल स्टार्ट असिस्ट, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स, रेयर पार्किंग सेंसर्स, रेयर पार्किंग कैमरा और हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम वाले सेफ्टी फीचर्स भी मिलेंगे। तो ये तो होगी 2022 C3 SUV के एक्सपेक्टेड फीचर्स की बात। चलिए अब इसके एक्सपेक्टेड प्राइसेस और एक्सपेक्टेड इंडिया लॉन्च की बात करते हैं। सिट्रॉन इस SUV को 5.5 लाख से 8 लाख के बीच प्राइस कर सकती है और इसका एक्सपेक्टेड इंडिया लॉन्च इस साल के सेकेंड क्वार्टर में है। और लॉन्च होने के बाद ये SUV टाटा पंच, मारुति इग्निस, निसान मैग्नाइट और रेनो काइगर जैसी SUVs के साथ कम्पीट करेगी। तो ये थी मेरी तरफ से अपकमिंग 2022 सिट्रॉन C3 SUV से जुड़ी एक और अपडेट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसी ही वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।